कौन होगा अगर कांग्रेस जीतती है तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदीप जी धन्यवाद। जहां तक बीजेपी के दावे की बात है वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो, जितना बड़ा झूठ उससे ज्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी नर्क को चलाए जाए। ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला की बात, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है। और अब देश जान चुका है इसकी बीजेपी की ट्रेनिंग को, तो बीजेपी के जो दावे हैं उनको मैं उस रूप से लेता हूँ। सीएम को लेकर क्या कहेंगे दीपेंद्र जी सीएम का जवाब दीजिए आप भी। सर सीएम का जवाब चाहिए दीपेंद्र जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये हमारी बहन का और आपका एक प्रश्न है, वही प्रश्न पूछ रही थी, तो हमने अपनी बहन को कट के लाभ करनी चाहिए। आपका अपना एक श्रेणी नहीं है, आक्रमक पत्रकारिता की आपकी अपनी एक श्रेणी रूप कर दी और हम उसके कायल भी हैं, लेकिन वो आक्रमक वो आक्रमकता आप हमारे तक सीमित रखें। आप अपने सह पत्रकार बहनों तक वो आक्रमकता ना पहुंचाएं। जवाब देखिए ऐसा है, पहला अंतिम लक्ष्य हमारा सबकी मेहनत का एक था कि हरियाणा बदलाव हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बदलाव होना जरूरी था, कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनना जरूरी था ताकि हरियाणा को एक फ्रेश स्टार्ट मिले, हरियाणा आगे की तरफ देखे। भाजपा की जो 10 साल का कुशासन था, भाजपा ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, केवल भाई को भाई से उलझाया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, कहीं क्षेत्र पे, और हरियाणा उलझा के रख दिया और हरियाणा को पीछे लेके जाने का काम भाजपा ने किया। अब एक नई शुरुआत हरियाणा में हो और हरियाणा देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभर के आए, सबसे खुशहाल राज्य के रूप में उभर के आए, ये हमारा लक्ष्य था बदलाव। वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है हम सब ने। इसके आगे जहां तक किसको क्या जिम्मेदारी मिले, अगली कौन सी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की तो अपनी एक प्रणाली रही है, अपनी एक पद्धति रही है। पिछले दशकों से बड़ी सरल सी हमारी प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेता है, विधायक दल जुट के आता है, विधायक दल की बैठक होती है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एससीसी की तरफ से जवर भेजे जाते हैं जो विधायक दल से बातचीत करके उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व भी पहुंचाता है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से जो अंतिम फैसला करें वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस का परिवार उस फैसले को आगे लेके बढ़ते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दशकों से कांग्रेस की एक प्रक्रिया चली हुई है जिसका प्रदीप जी आपको भी जानकारी पूरी है, जिसकी आप कवर करते रहते हैं, आपने तो कहीं इस तरह की बैठकों में आपको देखा गया है हमने, तो इसमें प्रक्रिया वही रहेगी और अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा और हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए अपने विवेक से सही फैसला लिया। सिद्धार्थ जी तीन प्रश्न पहले प्रश्न पूछा था, सिद्धार्थ जी तीन प्रश्न पहले एक आक्रमक पत्रकार प्रदीप ने प्रश्न पूछा था, पूछा था और उसमें मैंने जवाब में प्रक्रिया बता दी थी। हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी में दशकों से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की चली आ रही है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उस प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें अपने विवेक से अंतिम फैसला लेते हैं, इन चीजों में किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये हमारे और आपके ज्यादा विचार का प्रश्न नहीं है। हमारा और आपका जो काम था मेहनत करने का, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, और प्रदेश नेतृत्व हुड्डा साहब और उदय भाई जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत कर ही सकते, और बदलाव हो हरियाणा में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, उस दलील पे कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत के साथ पहुंच गई है, ऐसा हमारा मानना विश्वास है। बाकी कल तो आपको धीरे धीरे आपको देते ही लेंगे, आप भी जाते हैं लंबा सा, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं वहां, वहां सुनो वहां कहते हैं और वहां छोटा उसके सवाल पूछते हैं, यहाँ उगली के सवाल पूछते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं आप क्राउड खुले हो, वहां पर ये बता दो क्राउड खुले हो,
तो ये तब तो आपको देखेंगे सरकार की प्रतियोगिता के पास पत्रकार सिंधी के पास हम आपको आपको चयनित किया सारे पत्र हम सकते हैं कि ये किनको भेजिए क्या आप तैयार हैं नई जिम्मेदारी अगर आपको लीडरशिप देती है क्या रेडी हैं सर क्या रेडी हैं अगर कोई जिम्मेदारी आपको लीडरशिप देती है प्रणाली और सारी बातों के बाद अगर लीडरशिप आपका नाम तय करती है कि आप तैयार हैं आप तैयार हैं मैं तो रेस में पता किसी ने कहा भाई ये तो फैसला किसने लेते तो रहे और के हाथ की बात है और हरियाणा की जनता का फिर बहुत बहुत धन्यवाद एक इनका लेते हैं डालना चाहती हूँ कि घोड़ा कौन चढ़े सहरा नहीं, आप थोड़ा लेट आए आपके जवाब सुन रही थी पर आप थोड़ा सा लेट आए इस पर काफी अच्छी चर्चा हो गई है मुझे लगता है कि आप लोग ये कुछ मन बना के आए ऐसा लगता है।